अच्छा जी, कल हमने फॉर्म से पढ़ लिया था और आज वेबसाइट लेआउट। अच्छा जी, वेबसाइट लेआउट हमने HTML के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आपकी वेबसाइट का लेआउट कैसा होता है। आपकी वेबसाइट में हेडर, उसके बाद नेविगेशन मेन्यू, कुछ वेबसाइट में सेपरेट होते हैं, कुछ के हेडर में ही आ रहे होते हैं कि एक तरफ लोगो आ गया और राइट साइड पे लिंक्स आ गए, और लेफ्ट साइड पे कंटेंट, मेन कंटेंट, राइट साइड पे कंटेंट है और फुटर। ये जो वेबसाइट लेआउट है, ये इस वेबसाइट का ही है, W3 स्कूल्स का। इसमें देखें, हेडर आपका, नेविगेशन मेन्यू, उसके बाद लेफ्ट साइड पे कंटेंट, ये आपका मेन कंटेंट और ये आपका राइट कंटेंट है, और लास्ट पे जाके ये आपका फुटर आ गया। तो इसने अपनी वेबसाइट का ही लेआउट दिखाया। नेविगेशन मेन्यू आपको बनाना आता है, ये टॉप हमने लास्ट लेक्चर या फिर सेकंड लास्ट लेक्चर में बनाना देखा था कि आप नेविगेशन बार बना सकते हैं, आपका नेविगेशन बार, बल्कि कल के लेक्चर में ही आया है नेविगेशन बार। उसके बाद मेन कंटेंट आपका, डिपेंड करता है कंटेंट पे, और फुटर। हेडर बनाने के लिए आप हेडर एलिमेंट लें और उसके अंदर उसकी कोडिंग करें, लेफ्ट साइड पे आपका लोगो आ गया, राइट साइड पे जो भी चीज़ आती है, या डिपेंड करता है डिज़ाइन पे, तो सारी चीज़ें पॉसिबल है अल्हम्दुलिल्लाह। नेविगेशन बार, नेविगेशन बार ये आपका आ गया, उसके बाद कंटेंट आपका। अच्छा, अभी देखें आपके पास है, इस टाइम आपके पास साइड पे लेफ्ट साइड कंटेंट, आपका मेन कंटेंट और ये आपका राइट साइड कंटेंट है। मेन कंटेंट में आपके पास है, अक्सर वेबसाइट्स वगैरह में आपने देखा होगा कि तीन कॉलम्स आ रहे होते हैं। अगर हम OLX पे आए तो OLX का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक रो है और चार कॉलम आपके आ रहे हैं, ठीक है। विथ आपकी 100%, 100% को डिवाइड कर दें 4 पे, तो एक बॉक्स या एक कॉलम की विथ जो है वो आपकी 25% बन जाती है। उसके ऊपर देखें तो ये आपका एक ही कॉलम, मीन्स के विथ इसकी 100%, ये आपका हेडर इसका, ये सर्च बार और ये इसके नेविगेशन बार। लास्ट में जाके तो ये इसका फुटर आ गया, ठीक है जी। तो इस सारी चीज़ें आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, हम सब कुछ ही पढ़ चुके हैं, बस अब उसको जोड़ के यूज़ करना, इस्तेमाल करना अब आप लोगों का काम है। बहरहाल हम प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों के नेक्स्ट वीक कंप्लीट एक वेबसाइट डिज़ाइन की जाएगी आप लोगों के सामने इंशाल्लाह, तो फिर उसके बाद आप लोग भी उस चीज़ को कर सकते होंगे। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें कैसे बन सकती हैं, ये भी वेबसाइट का लेआउट है आपका। जब डेस्कटॉप व्यू हो आपका, ओनली यूज़ फॉर डेस्कटॉप, उसमें तीन कॉलम्स या चार कॉलम्स एक रो में आ रहे होते हैं। जैसे ही आप मीडियम स्क्रीन में आ जाते हैं, जैसे कि कोई स्मॉल स्क्रीन लैपटॉप की है या स्मॉल लैपटॉप है, टैबलेट पीसी है, तो उसमें आपके एक रो में दो कॉलम आ रहे होते हैं। जैसे ही आप मोबाइल व्यू में आ जाते हैं तो फिर आपके 100% विड्थ हो जाती है और एक ही कॉलम आता है। तो ये चीज़ तो हमने लास्ट लेक्चर में ही देख ली थी आई थिंक, कि आप तीन कॉलम जो बना रहे होते हैं, 100% विड्थ होती है, तीन कॉलम्स इसकी विड्थ को आप डिवाइड करें, बल्कि हम कर लेते हैं दोबारा से। हमारी मेन फाइल इंडेक्स डॉट HTML, HTML 5 और बेसिकली मीडिया क्यूरीज हमारा इस टॉपिक का मेन, हेडर आपका, मेन आपका, फुटर, फुटर के अंदर कंटेनर, और कंटेनर के अंदर पैराग्राफ एंड कॉपी 2022 ऑल राइट्स रिजर्व। हेडर में आपके पास नैब, नैब के अंदर यूएल, यूएल के अंदर LI एलिमेंट, LI के अंदर एंकर टैग, इंडेक्स डॉट HTML और ये आपका होम
ये आपका अबाउट, अबाउट ये आपका कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मेन के अंदर भी कंटेनर, कंटेनर के अंदर आप H1 ले लें, होम पेज कहते हैं। फाइल क्रिएट करें स्टाइल्स फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट CSS, यूनिवर्सल सेलेक्टर, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और इंडेक्स डॉट HTML पे आके, अच्छा हेडर के बाहर हम नैब को ले गए हैं, हमने हेडर के अंदर रखना है इसको, ठीक है। ये आपका हेडर के अंदर नैब आ गया, यहाँ पर आप इसको लिंक करवा दें कस्टम CSS लिंक स्टाइल्स के अंदर स्टाइल डॉट CSS, और इसको आप गो लाइव करें तो ओपन तो शो ना, ओके होम, होम पेज आपका एंड दो बार लिखा गया तो आपका कॉपीराइट। ओके जी, स्टाइलिंग करते हैं तो पहले आप हेडर के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर इसको आप करें टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में आ गया। अगर आपको सेंटर में चाहिए तो हेडर के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर LI, इसको आप करें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और हेडर के अंदर UL के अंदर LA के अंदर एंकर टैग जो है उसको भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, पैडिंग टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट भी 10 pixels, और कलर अगर आप लोगों ने चूज़ करना है तो हमारे पास एक वेबसाइट थी colors.co, तो जहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर लें कोई भी, हम चूज़ कर लेते हैं इसको या फिर इसको, बैकग्राउंड कलर ये हो जाए हमारा हेडर का बैकग्राउंड कलर #, और डेकोरेशन आपका ये आ गया LI के अंदर कलर जो है वो आपका हो जाए, इसमें से ही मज़ीद आप कलर उठाएं इसके, ये कलर #, ये कलर हो गया इसके, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन करें, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, पैडिंग टॉप बॉटम से बढ़ाते हैं आप इसको, आप करते हैं 16 pixels अगर करें तो आपका ये लेफ्ट राइट से भी 16 pixel करें तो लेफ्ट राइट से आपका 16 pixel इस तरह हो गया, और फॉन्ट वेट बोल्ड करें तो फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट फैमिली इसकी अगर आप इसको इस करें तो फॉन्ट फैमिली आपकी ये हो जाएगी, सिलेक्ट हो गई, और इसको हम कहते हैं कि हेडर के अंदर UL के अंदर LA के अंदर A जब ओवर हो तो बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर ये उठा लें #, ये सेव करें, और ये चीज़ आपकी, ठीक है जी, ये चीज़ आपकी बन गई, और ये आपका हेडर हो गया। कंटेनर की विथ 70%, मार्जिन 0 ऑटो, तो ये भी सेंटर में आ गया आपका, आपकी आवाज़ कट गई जी, कुछ कहा आपने, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है,
अच्छा मैं थोड़ा स्लो करूँ, चले ठीक है। कंटेनर विद 70% मार्जिन, टॉप बॉटम जीरो और लेफ्ट राइट ऑटो। दरअसल ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड में था कि ये आपकी हो जाए और जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो फिर हम कवर कर लेंगे जल्दी आराम आराम से। तो बहरहाल आपका ये हो गया, फुटर पे हम आ जाते हैं। ये आपका मेन और यहाँ पर आपका मेन का कोड आ जाएगा और ये आपका फुटर, फुटर का बैकग्राउंड कलर आप यही कर दें और टेक्स्ट अलाइन सेंटर करें तो आपकी ये चीज़ कलर वाइट की बजाय ये वाला कलर और फॉन्ट वेट बोल्ड और फॉन्ट फैमिली इसकी भी आप यही रख दें, ये चीज़ होगी। अब इसमें आपने पैडिंग, पैडिंग टॉप बॉटम आप 10 पिक्सल्स लेफ्ट राइट से 0, ये चीज़ होगी आपकी। हमने इसको बॉटम पे लेकर आना है, बॉटम पे लाने के लिए मेन की मिनिमम हाइट जो है लेट 100 BH माइनस, आप इसको करें। अब इसकी हाइट हमने गेट करनी है तो हाइट गेट करने के लिए इसकी हाइट है 49.92, मेरी हाइट इसकी 49.92 और 37.92 49। बहर हम इसकी हाइट ही सेट करते हैं, हेडर की हाइट 50 पिक्सल्स और इसकी हाइट, फुटर की हाइट हम 40 पिक्सल्स रख देते हैं और पैडिंग की बजाय बेशक आप इसकी लाइन हाइट करते हैं 40 पिक्सल तो तब भी ये सेम ही रहेगा। उसके बाद आप मिनिमम हाइट है, अच्छा जी, हेडर की हाइट होगी आपकी 50 पिक्सल्स और फुटर की हाइट होगी 40 पिक्सल तो इसको आप -90 पिक्सल्स कर दें, सेव करें तो ये आपका लास्ट पे आ गया और ये अब आपका मेन कंटेंट। ठीक है जी, तो ये आपका हेडर और ये आपका मेन कंटेंट और ये आपका फुटर। इसके बाद हमने करना है मेन, मेन के अंदर आप ये आपका होम पेज, होम पेज के अंदर सेक्शन बेशक बना लें या फिर आप बेशक एक रो बनाएं, रो के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर कार्ड, कार्ड के अंदर H1 कॉल 1 कहते हैं इसको और इस चीज़ को आप मज़ीद ऐड करें, कॉलम 2 कॉलम 3 आपका आ गया, कॉलम 1, 2 एंड 3। ठीक है, इस रो को टारगेट करके डॉट रो या फिर आप एक क्लास बना लें मार्जिन टॉप के लिए MT मार्जिन टॉप -5। बेसिकली आपको ये क्लासेस मैं अभी से बता रहा हूँ, ये सारी क्लासेस आपको बूट स्टैप में मिलेंगी। तो मार्जिन टॉप 5 मार्जिन टॉप होगी आपकी 48 पिक्सल, सेव करें और इस रो को ही मार्जिन टॉप 5 कर दें। तो ये देखें टॉप से ये बॉटम पे आ गया, कॉलम पे आप हैं, कॉलम कॉलम की विथ 33.33% फ्लोट लेफ्ट कर दें, सेव करें। तो ये देखें कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, कॉलम के अंदर जो कार्ड है उसको क्या करें आप, हाइट उसकी 250 पिक्सल्स करें और टेक्स्ट अलाइन सेंटर करें
इसको वक्ती तौर पर सिर्फ बॉर्डर दें, 1 pixel सॉलिड रेड, सिर्फ दिखाने के लिए। ये देखें, ये आपका कॉलम, अच्छा ये कार्ड आपका जी, ठीक है। इस कॉलम को आप मज़ीद पैडिंग दें 20 pixels करते हैं, ये देखें, ठीक है 20 pixels सिर्फ लेफ्ट और राइट से दे दें, टॉप बॉटम से ना दें, तो ये आपका इस तरह वर्क करेगा। कॉलम और सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, अच्छा ये टेक्स्ट हमारा, हमने वर्टिकली इसको सेंटर में लेकर आना है, तो क्या हम करेंगे जी, टेक्स्ट लाइन सेंटर से तो आपका हॉरिजॉन्टली आएगा, वर्टिकली हम इसको सेंटर में लेकर आना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे जी, लाइन हाइट कितनी यूज़ करेंगे, 250 pixels, ठीक है, वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएगा। बॉर्डर रेडियस 4 pixels करते हैं, तो थोड़ा सा ये कर्व हो जाएगा और बॉर्डर ख़त्म करते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपकी 93 ब्यूटीफुल सीएसएस, इसमें से आप शेडो ले लें और बॉक्स शेडो, तो ये आपका बॉक्स शेडो बन जाएगा, ठीक है जी। कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आपका आ गया। इसके अलावा आप मज़ीद, वो तो आप कॉलम के अंदर जो कार्ड है, जब ओवर हो तो बैकग्राउंड कलर, उसका आप ये कर दें, तो आपका बैकग्राउंड कलर, कलर वाइट कर दें, तो ये आपका कलर वाइट है, और इस पर ट्रांजिशन लगा दें कि ये इफ़ेक्ट जो है कितनी देर में हो, 0.5 सेकेंड, तो ये आपका इफेक्ट है इस तरह। तो अभी देखें, ये आपके 3 columns आ रहे हैं, ठीक है जी, एक रो में 3 column तो आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही स्क्रीन छोटी हो, तो ये देखें, जैसे ही स्क्रीन छोटी हो तो इसे चाहिए कि ये एक कॉलम बने, क्योंकि एक रो में एक कॉलम है, और जब मीडियम स्क्रीन में ये आए, मीडियम स्क्रीन में एक रो में 2 आ जाए, तो ये सारी चीज़ें फिर अब आपकी मीडिया क्यूरीज़ की मदद से पॉसिबल है। तो मीडिया क्यूरीज़ पे हम आएंगे, उससे पहले हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, हम उसको कवर कर लें। तो बताने का मकसद ये सिर्फ था कि कॉलम आपके इस तरह बन जाते हैं, और उसके अलावा आपके पास एक रो में 3 column, लार्ज स्क्रीन में, मीडियम स्क्रीन में 1 में 2, और स्मॉल में आपके पास 1 में 1 column ही आता है जी, क्लियर है ये जी, जी जी, वर्टिकल मतलब जी 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 जी, हाँ जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे जी। उसके बाद CSS यूनिट्स कुछ पढ़ लेते हैं आप, विथ मार्जिन पैडिंग फॉन्ट साइज़ वगैरह, इसको वैल्यूज जो पास करते हैं, लेंथ वगैरह, पिक्सल्स हमने पढ़े कि डिपेंड करता है स्क्रीन साइज़ पे, 1 pixel का मतलब 1 dot होता है, ठीक है, 1 pixel का मतलब 1 dot। इस टाइम मेरी जो स्क्रीन है, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन, डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएँ तो 1920 विथ और 1080 हाइट, 1920 × 1080, 1920 pixels हैं विथ और 1080 pixels हैं हाइट। आप अपनी अपनी स्क्रीन देखिएगा, वो डेफिनेटली चेंज होगा, कुछ की स्क्रीन्स मैच कर रही होंगी मेरे साथ, मेरे लैपटॉप की, लेकिन कुछ की नहीं कर रही होंगी। और उसके अलावा पिक्सल्स हो गया, अच्छा एब्सोल्यूट लेंथ और रिलेटिव लेंथ,
एब्सोल्यूट लेंथ का मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। आप पिक्सल्स दें, इसका मतलब है कि एक पिक्सल को वो काउंट कर लेगा। सेंटीमीटर्स में दें, मिलीमीटर्स में दें, इंचेस में दें, तो ये एब्सोल्यूट लेंथ, ये अपने पेरेंट पे डिपेंड नहीं होते हैं। आप इसको किसी भी एलिमेंट को कोई भी वैल्यू पास कर दें तो इसने अप्लाई हो जाना है। रिलेटिव लेंथ कौन सी होती है? जिस तरह आपकी परसेंटेज, ठीक है, आपकी परसेंटेज। अब परसेंटेज ये डिपेंड करेगा अपने पेरेंट पे। जिस तरह हमने कंटेनर के अंदर हमने रो को लिया, ऐसे ही है ये आपका कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो, कंटेनर की विथ हमने कर दी 70% और रो की विथ हमारी है 100%। तो ये 100% विथ जो है ये अपने पेरेंट की लेगा और कंटेनर की विथ कितनी है 70%, तो रो की भी एक्चुअल में जो विथ होगी वो 70% होगी, लेकिन इस रो की अपनी जो है मीन्स के 100% जो है वो कंटेनर की 70% होगी। अगर आप इसको पिक्सल्स में लें, अच्छा अब इसकी कंटेनर की जो विथ है ना 70%, हमारी विथ हमने देखी थी 1920 डिवाइडेड बाय 100 करें मल्टीप्लाई बाय 70, तो 1344 पिक्सल्स बन रहा है, ठीक है, 1344 पिक्सल्स। आप रो की विथ 100% लेते हैं तो वो 1344 पिक्सल्स बनते हैं, लेकिन अगर रो को आप विथ पास करते हैं पिक्सल्स में, मीन्स के आप कह दें कि 1920 पिक्सल्स हो जाओ, तो उसने एक्चुअल में 1920 पिक्सल्स हो जाना है, उसने नहीं देखना कि उसके पेरेंट की विथ कितनी है। तो इस वजह से एब्सोल्यूट यूआरएल्स और रिलेटिव यूआरएल्स, परसेंटेज, वीएच, वीडब्ल्यू, ईएम और आरईएम। ईएम है रिलेटिव टू द फॉर्म साइज ऑफ द एलिमेंट, टू ईएम मीन्स टू टाइम्स द साइज ऑफ द करंट फॉन्ट। REM relative to font size of the root element। अच्छा EM और REM हमारे बॉडी जो है, बॉडी की डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज जो सिलेक्ट होती है, ये आपका बॉडी, इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज जो है वो 16 पिक्सल्स होता है, ठीक है। इस तरह के सवाल अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछ ले जाते हैं, तो इसको नोट कीजिएगा, बॉडी की डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज जो है वो 16 पिक्सल्स है। स्टाइल में फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स, ठीक है जी, 16 पिक्सल्स। जहाँ पर हम डीप क्लास कंटेनर ले रहे हैं या फिर हेडर से भी बाहर निकले, वैसे ही बस दिखाने के लिए, आप एक डीप लें और H1 ले लें, या फिर आप एक पैराग्राफ लें, पैराग्राफ में लिखते आई पैराग्राफ, डिव स्टाइल पास कर दें फॉन्ट साइज, इसको आप कहते हैं 20 पिक्सल्स, ठीक है जी। इतने कोड की मुझे समझ लगी है, ये बताएं बस। अभी मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ये तो वही है, स्टाइल का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स है जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, और इस एलिमेंट डिव के एलिमेंट ये जो स्टाइल है इसमें फॉन्ट साइज हमने इसको 20 पिक्सल्स कर दिया। ये पैराग्राफ हमारे पास दो REM वैल्यू और EM वैल्यू, EM डिपेंड्स ऑन द पेरेंट, ठीक है, ये अपने पेरेंट पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स पेरेंट और डिपेंड्स रूट, रूट एलिमेंट हमारा बॉडी, ठीक है, रूट हमारा बॉडी है ना, जो बॉडी में आपका डिपेंड आता है। तो इसमें आप स्टाइल पास करें फॉन्ट साइज 1 EM, ठीक है, 1 EM हमने किया, या फिर आप इसको बल्कि 1 EM की जगह करें 2 EM, फॉन्ट साइज 2 EM। EM का हमने देखा है, EM किस पे डिपेंड हो रहा है, EM, सिर्फ EM,
डिपेंड हो रहे हैं पेरेंट पे। इसके पेरेंट का फॉन्ट साइज क्या है? 20 पिक्सल्स है। 2 का मतलब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसका फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा? 40 पिक्सल्स। ठीक है, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, इसका अपने 2 em करते हैं तो फॉन्ट साइज हो गया, ये अपने पेरेंट को देखेगा, इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स है तो इसका 40 पिक्सल्स हो जाएगा। अगर यही आप 2 rem कर दें तो rem जो है वो डिपेंड किस पर है? रूट पे। रूट का फॉन्ट साइज क्या है? 16 पिक्सल्स है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो इसका फॉन्ट साइज ये 32 बनेगा। ठीक है, 25 पिक्सल्स। तो ये इस तरह काम करेगा। rem डिपेंड होता है रूट पे और em डिपेंड करता है अपने पेरेंट पे, तो ये डिफरेंस है बस। जी ये क्लियर हुआ है? ठीक हो गया जी। VW व्यू पोर्ट विथ और VH व्यू पोर्ट हाइट है। ठीक है, तो ये भी रिलेटिव है, ये डिपेंड करता है स्क्रीन पे, स्क्रीन के जो भी साइज़ है। ठीक है, स्क्रीन का जो भी साइज़ है उस पे ये मैटर करेगा, उस पे डिपेंड करेगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे स्क्रीन की विथ है 1920 पिक्सल्स, तो ये VW 1920 हो जाएगा। हम इसी वेबसाइट को किसी मोबाइल फ़ोन पे देखते हैं तो उसकी विथ है 360 पिक्सल, तो VW जो है वो फिर 360 पिक्सल्स का होगा। मीन्स के व्यू पोर्ट विथ और व्यू पोर्ट हाइट आपकी। जी ये क्लियर है? जी बताइएगा। VW आपका व्यू पोर्ट विथ मीन्स के लेफ्ट टू राइट जितनी भी विथ बनती है, जो आपका ब्राउज़र का व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट ठीक है, ब्राउज़र का व्यू पोर्ट, आपका ब्राउज़र आपकी वेबसाइट कहाँ पर से दिखा रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इसकी जितनी भी विथ है इस टाइम मेरे लैपटॉप में फॉर एग्जांपल 1000 पिक्सल्स है, तो अगर मैं व्यू पोर्ट लेता हूँ 100 व्यू पोर्ट लेता हूँ तो उसकी विथ बनेगी 1000 पिक्सल्स। अगर मैं 80 व्यू पोर्ट लेता हूँ तो इसमें समझा देता हूँ। लेट्स सपोज माय स्क्रीन साइज इन px 1000, ठीक है, 1000 पिक्सल है। मैं विथ लेता हूँ किसी एलिमेंट की 50 VW व्यू पोर्ट विथ, तो व्यू पोर्ट विथ मेरे स्क्रीन की कितनी है? 1000 पिक्सल्स, तो विथ इसकी बनेगी 500 पिक्सल्स। ठीक है, 50% ऑफ व्यू पोर्ट विथ। अब सेम माय फोन स्क्रीन साइज इन पिक्सल, वो आप कह लें 480 पिक्सल है, तो तब जाके फ़ोन पे सेम विथ बन जाएगी, कितनी बनेगी? 240 पिक्सल। ठीक है, 50% ऑफ व्यू पोर्ट है। सेम उस तरह ही हाइट आपकी है 800 पिक्सल्स और मोबाइल फ़ोन में हाइट है 1920 पिक्सल्स। ठीक है, क्योंकि मोबाइल में हाइट आपकी ज़्यादा होती है और विथ कम होती है, और आपके लैपटॉप वगैरह हॉरिजॉन्टल जो होते हैं उसमें विथ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है, अगर विथ ज़्यादा और हाइट कम हो तो। ओके, उसी तरह हाइट है, आप लें 50 VH, ठीक है, व्यू पोर्ट विथ और व्यू पोर्ट हाइट है। अब हाइट है
मेरे लैपटॉप में अगर देखी जाए तो हाइट कितनी बनेगी इसके अकॉर्डिंगली? 50% ऑफ व्यू पॉइंट हाइट 400 पिक्सल हो जाएगी। और वही अगर आप मोबाइल में देखें तो ये आप इसको अगर डिवाइड करें 1900 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आपका 960 पिक्सल, ठीक है, 960 पिक्सल से हाइट बन जाएगी। तो व्यू पॉइंट विथ और व्यू पॉइंट हाइट डिपेंड करता है हर स्क्रीन के अकॉर्डिंगली, आप जिस भी डिवाइस में देख रहे हैं उस पर। आप इसको ट्राई कीजिएगा, वैसे समय लग जाएगी। तो अगर आप सेम पिक्सल में देते हैं, लेट सपोज मेरे लैपटॉप की हाइट है 100 पिक्सल, मैं किसी एलिमेंट की हाइट सेट कर देता हूँ 800 पिक्सल, वही वेबसाइट में अपने मोबाइल पे देखता हूँ तो उसमें तो 1920 पिक्सल है, तो उस एलिमेंट की हाइट जो है वो सिर्फ 800 पिक्सल हमने सेट कर दी थी। तो ये फिर आपके मोबाइल फ़ोन में उस एलिमेंट की हाइट आपको काफ़ी छोटी नज़र आएगी, 100% नज़र नहीं आएगी। जी क्लियर हुआ कुछ? जी सर। ओके जी। उसके बाद इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या करते हैं, यहाँ पे देखें एक एलिमेंट बैकग्राउंड कलर उसको ब्लू किया गया है, बैकग्राउंड कलर ग्रे और बैकग्राउंड कलर रेड है। अच्छा, उससे पहले स्पेसिफिसिटी में आ जाती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी प्रायोरिटी सेट होती हैं, सेम एलिमेंट आपका, ये आपका पी है, ठीक हो गया जी, इसको ख़त्म करें और इसको भी ख़त्म करें वक्ती तौर पर। पी आई डी पी क्लास भी पी, एलिमेंट का नेम भी पी है, आईडी भी हमने उसको पी दे दी और क्लास भी पी। कोड टॉप टू बॉटम वर्क करता है ऐसे ही है जी सर, और जो चीज़ लास्ट में आए वो अप्लाई होता है। पी एलिमेंट को टारगेट करें, कलर उसका करें आप कलर एक्वा करें, ठीक है, सेव करें मीडिया क्वेरीज और ये देखें कलर आपका एक्वा है, बल्कि इसको आप रेड करें तो ये आपका रेड। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करें तो ये आपका सेंटर, ठीक है, ये आपका पी एलिमेंट कलर रेड। नीचे जाके पी कलर ग्रीन कर दें तो कलर कौन सा होगा? ग्रीन। और अब जी ब्लू हो जाएगा, सेव करें तो ये आपका कलर ब्लू हो जाएगा, ब्लू, ठीक है जी। इसमें अब पी एलिमेंट, ठीक है, आपका ऊपर का कोड वो एग्जीक्यूट नहीं करता, जो लास्ट में है वो करता है। मैं यहाँ पर डॉट पी लगा देता हूँ, अब ये किसको टारगेट करेगा? ये जोश की होगी, क्लास होगी, जिसको क्लास पी मिली है उसको टारगेट करेगा, ठीक है। तो कोड तो ये हमने ऊपर लिखा है, सेम एलिमेंट ही है हमारा, ठीक है, पी एलिमेंट ही है ना, उसी को क्लास दी गई है। तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे जाके पी को तो ही कलर ब्लू कर रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा, ये कलर ग्रीन को टारगेट करेगा, ठीक है, कलर ग्रीन, क्योंकि अब हम इसको क्लास से टारगेट कर रहे हैं। इसमें ना कुछ वैल्यूज़ हैं आपकी, आप का ये कौन सा सिलेक्टर है? यूनिवर्सल सिलेक्टर, इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। एलिमेंट नेम, सिर्फ नेम लिख देता हूँ, नेम की वैल्यू होती है 1, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी नंबर या वैल्यू ज़्यादा वो टारगेट हो जाता है, वो अप्लाई होता है। उसके बाद आ जाता है आपके क्लास, क्लास की वैल्यू है 10, ठीक है,
तो अब कोड टॉप पे लिखा हो या बॉटम पे लिखा हो, उसने अब देखना है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उस पर अप्लाई होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पी, इसकी वैल्यू क्या है, प्रायोरिटी वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई है। तो वैल्यू ज़्यादा 10 है तो अब ये अप्लाई होगा। सेव करें तो ये देखें कलर इसका क्या हो गया, ग्रीन, ठीक है। उसी के बाद आईडी इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 100। तो यहाँ पर अब जाके आप अगर हैश टैग ऐड कर दें, ठीक है, ये वही एलिमेंट है ना, पी एलिमेंट ही है जिसको आईडी भी हमने पी दिया है, तो आईडी की वैल्यू ज़्यादा है, 100 है, तो अब क्या होगा, कलर उसका रेड हो जाएगा। सेव करें तो ये देखें कलर हो गया रेड उसका। ओके, अब नीचे जाके या फिर बल्कि इस सेंटर वाले को मैं टारगेट करता हूँ, डॉट पी और हैश पी, डॉट पी क्लास की वैल्यू क्या है, 10, और आईडी की वैल्यू 100, 100 प्लस 10 करें तो वैल्यू कितनी हो गई, 110, वैल्यू इसकी इंक्रीज हो गई, तो अब ये अप्लाई होगा। सेव करें तो ये देखें पैराग्राफ हो गया। इसमें मज़ीद आप पी और को टारगेट करें, पी एलिमेंट, पी क्लास और पी आईडी, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 111 होगी, ठीक हो गया। तो ये अभी भी इसको ही टारगेट करेगा जी, ओके यस सर, कुछ नहीं सर, 100 प्लस 10 प्लस 1, 111। सेव करें, अभी भी यही है। आप नीचे जाके पी डॉट पी हैश टैग पी, तो अब कौन सा अप्लाई होगा, ब्लू। सेव करें तो अब वो साथ साथ टॉप टू बॉटम भी देखेगा। इसको आप मज़ीद अब पी हैश टैग पी और डॉट पी, जी, तो अब कौन सा टारगेट होगा, रेड। सेव करें तो आपका रेड आ गया। सिर्फ पी करें तो तब भी नहीं। अब इसमें एक और चीज़, आपकी सारी चीज़ें, अच्छा ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे जाएं और स्टाइल कर दें कलर येलो, ठीक है, स्टाइल में कलर येलो, तो अब कौन सा कलर आएगा, जी बताएं, रेड ब्लू आएगा सर, जी येलो क्यों आएगा, येलो आएगा, येलो क्यों आएगा सर, रेड आएगा, रेड आपकी। अच्छा ये जो स्टाइलिंग हमने की है अभी, ये कौन सी स्टाइलिंग है, इनलाइन है। इन लाइन स्टाइलिंग की वैल्यू जो होती है वो होती है 1000, ठीक है जी। तो वैल्यू इसकी ज़्यादा है तो ये अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ इस वजह से अप्लाई होगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये देखें ये आपका पैराग्राफ आ गया, ठीक है जी। उसके बाद स्टाइल में जाएं, सिर्फ पी है, इसकी वैल्यू सबसे कम है, ऐसे क्या 1, ये आपका कितना बन रहा है, वन जीरो 101, और ये कितना बन रहा है, और ये आपका कितना बन रहा है, 11, आपका सिर्फ 11 बन रहा है, ठीक है। नहीं ये 1 11, नहीं सिर्फ 11 ना, सिर्फ 11, ये आपका पी 1 और क्लास आपकी 10 वैल्यू, तो
तो ये आपका 11, पी एक आई डी 100 तो ये आपका 101, आपका पी 1 क्लास 10, 11 हो गया 100, तो 111 हो गया आपका। अब इसकी वैल्यू सबसे कम है, इस ब्लू के साथ ना आप सिर्फ हैशटैग इम्पोर्टेंट लगाएं, कलर ब्लू हैशटैग इम्पोर्टेंट सेव करें, तो ये देखें अब क्या अप्लाई हो रहा है, मींस के इस इम्पोर्टेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इवन के इन लाइन स्टाइलिंग से भी ज़्यादा, मतलब के ये 1000+ वैल्यू है इसकी। जी क्लियर है? तो यही समझाना मकसूद था आपको स्पेसिफिक्स की। ये देखें, ये आप बाकी मज़ीद पढ़ लीजिएगा तो ये फिर अप्लाई हो जाएगा। इम्पोर्टेंट हो गया, मैथ फंक्शंस कैल्शियम पढ़ चुके हैं, अब हम आ जाते हैं मीडिया क्यूरीज में। CSS2 इंट्रोड्यूस मीडिया टाइप्स है, आपकी मीडिया क्यूरीज की मदद से आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनती है, और वेबसाइट रिस्पॉन्सिव वो होती है जिसके बॉडी में हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार ना आए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार आ जाए अगर आपकी वेबसाइट में, तो आपकी वेबसाइट 100% रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो फिर आप कभी भी कोई अच्छे वेब डिज़ाइनर नहीं कहलाएंगे अगर हॉरिजॉन्टल बार आ जाए आपकी बॉडी में, आपकी वेबसाइट की बॉडी में। ओके, एड द मीडिया रूल, द मीडिया रूल इंट्रोड्यूस इन CSS2। हम CSS कौन सी पढ़ रहे हैं? 3। ठीक है, तो जी 3 है। CSS2 में मीडिया टाइप्स इंट्रोड्यूस हुआ, मेड इट पॉसिबल टू डिफाइन डिफरेंट स्टाइल रूल्स फॉर डिफरेंट मीडिया टाइप्स हैं, सिर्फ मीडिया टाइप्स के लिए। ठीक है, मीडिया टाइप्स कौन कौन सी हैं? कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं, प्रिंटर्स हैं, हैंड हैंडल डिवाइसेस हैं, और टेलीविज़न डिवाइसेस के लिए, क्या आप डिवाइस के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते थे स्टाइलिंग को, कि कंप्यूटर स्क्रीन में आपने कैसा दिखाना है, प्रिंटर में उस वेबसाइट को कैसा दिखाना है। आपकी वेबसाइट प्रिंट हो सकती है, ठीक है, पूरी की पूरी वेबसाइट सिंगल क्लिक पे, यहाँ पर एक बटन बनाओ, आप उस पर क्लिक करें तो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट प्रिंट हो सकती है। तो उस वेबसाइट को, अपनी ही वेबसाइट को आपने प्रिंटर में कैसा दिखाना है, मीन्स के वो वेबसाइट जब प्रिंट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हार्ड कॉपी में आ गई, तो आप उस वेबसाइट को प्रिंट में कैसा दिखाना चाहते हैं, तो आप उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। हैंड हैंडल डिवाइसेस, टेलीविज़न डिवाइसेस, तो इस तरह की आपके पास चीज़ें होती थी। CSS3 में क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ मीडिया क्यूरीज, पहले सिर्फ मीडिया टाइप्स थी, अब हुई मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज CSS3 में उसने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया CSS2 मीडिया टाइप्स को। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर अ टाइप ऑफ डिवाइस, दे लुक एट द कैपेबिलिटी ऑफ द डिवाइस। मीडिया क्यूरीज कैन बी यूज टू चेक मैनी थिंग्स सच एज विथ एंड हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट। ठीक है, विथ एंड हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट का पता है ना क्या है? अभी तो बताया है व्यूपॉइंट आप की विथ, जो जिस भी डिवाइस में आपकी वेबसाइट चल रही है उसकी विथ और उसकी हाइट, ये व्यूपॉइंट है जिसमें आपकी वेबसाइट नज़र आ रही है। विथ एंड हाइट ऑफ द डिवाइस, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड। टैबलेट और फ़ोन वगैरह में ये दो ऑप्शन होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब आपका फ़ोन स्ट्रेट है जिस तरह हम यूज़ कर रहे होते हैं, और जब वीडियोस वगैरह देखनी हो फ़ोन में तो हम लैंडस्केप कर लेते हैं। ठीक है, तो वो आपका लैंडस्केप मोड, इसका तो पता ही है ना सबको, ओरिएंटेशन का कि नहीं पता जी? शहजादो और शहजादियाँ पता है? चलो जी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसके बाद रेजोल्यूशन के पिक्सल्स वगैरह में आप सेट कर सकते हैं।
मीडिया क्वेरी का सिंटैक्स, अच्छा CSS3 में मीडिया टाइप्स ऑल करेंगे तो सारी डिवाइसेस पे अप्लाई होगा, सिर्फ प्रिंट के लिए करेंगे तो सिर्फ प्रिंटर्स के लिए, स्क्रीन करेंगे तो वेबसाइट जो नज़र आती है स्क्रीन्स में, टैबलेट्स में, स्मार्टफोन में, उस पर अप्लाई होगी वो स्टाइलिंग। और स्पीच में स्क्रीन रीडर्स डिवाइसेस डैट रीड्स द पेज आउट लाउड, अक्सर जो डिवाइसेस होती हैं ई रीडर डिवाइसेस, ये वेबसाइट चल रही होती है लेकिन वो पर्सन जो यूज़ कर रहे हैं वो देख नहीं सकते हैं, तो होता क्या है कि स्क्रीन जो है वो रीड करती है आपकी वेबसाइट को और बताती है कि कहाँ पे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, कहाँ पे हेडिंग है, कहाँ पे टेक्स्ट बोल्ड है, कहाँ पे इटैलिक है, कहाँ पे किस बात को जोर दिया गया है, तो उन डिवाइसेस के लिए भी मज़ीद स्टाइलिंग की जा सकती है। ओके जी, अब आते हैं कोड पे। आपका कोड टॉप टू बॉटम वर्क होता है ऐसे ही है? यहाँ पर हम शुरू में बॉडी का बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। ओके, चॉकलेट सेव करें तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? ये आपका बैकग्राउंड कलर चॉकलेट, ठीक है जी, ये आपका बैकग्राउंड कलर चॉकलेट हो गया। लास्ट पे जाके, अच्छा मीडिया क्वेरी जो आपकी लास्ट में लगती है, ठीक है, मीडिया क्वेरी लगाने का तरीका एट मीडिया, ठीक है, एट द रेट मीडिया। अब लिखेंगे हम स्क्रीन, कि हम स्क्रीन के लिए करने लगे हैं, ठीक है, एट मीडिया स्क्रीन, एट मीडिया ऑल करेंगे तो सब के लिए, एट मीडिया प्रिंट करेंगे तो प्रिंट डिवाइस के लिए, एट मीडिया स्क्रीन रीडर था क्या था का, अच्छा स्पीच, एट मीडिया स्पीच, तो ये सिर्फ स्पीच के लिए। हम स्क्रीन पे भी हैं तो एट मीडिया स्क्रीन एंड पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, ये कौन से भाई हैं? एट मीडिया स्क्रीन एंड मिन विड 480 पिक्सल्स, हमने ये कोड लिखा एट मीडिया, मीडिया क्यों यूज़ हो, किस में यूज़ हो, स्क्रीन में यूज़ हो, और यूज़ क्या करें मीन्स के कंडीशन हम क्या लगा रहे हैं कि जब स्क्रीन की विथ जो है कम से कम 480 पिक्सल्स हो, कम से कम का यही मतलब है ना कि कम से कम 480 हो और उससे अबव जितनी मर्जी विथ हो, ऐसे ही है। तो यहाँ पर अब हम कह रहे हैं कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो आप कोर फ्लोर ब्लू कर दें। आप सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन में आई, यह आपका मोबाइल व्यू है, ठीक है, इसको सेव करें तो बैकग्राउंड कलर आपका यही है अभी भी। जैसे ही स्क्रीन की विथ 480 पिक्सल होगी या उससे अबव होगी तो बैकग्राउंड कलर जो है आपका कोर फ्लोर ब्लू बन जाएगा। बैकग्राउंड कलर मिनिमम विथ 480 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर नहीं होना तो खुद ही चाहिए, रिफ्रेश बॉडी का बैकग्राउंड कलर कॉल फ्लोर ब्लू मिनिमम विथ 480 पिक्सल्स, अच्छा एंड स्पेस जी, अब अच्छा यहाँ पे ना एंड के साथ ही मैंने लिखा हुआ था स्पेस आनी थी, ठीक है, स्पेस आएगी तो ये वर्क करेगा। एट मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विथ हो जाए 480 पिक्सल जब हो तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर कॉर्न फ्लोर ब्लू, और 480 पिक्सल से पहले जो कुछ हो, अच्छा ये आपका कार्ड का बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट वाइट,
जैसे ही 480 से ब्लो जाए तो बैकग्राउंड कलर देखें आपका चॉकलेट, और 480 से अबव होगा तो ये आपका कॉर्नफ्लोर ब्लू आ जाएगा। अब मज़ीद मिनिमम वेट एट मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विथ 320 पिक्सल्स, बॉडी का बैकग्राउंड कलर आप कर दें बीच कर दें। तो अब हमने दो मीडिया क्यूरीज यूज़ कर लिया है, इसका क्या मतलब है, कम से कम विथ जब हो 320 पिक्सल्स तो बैकग्राउंड कलर क्या हो बीज, और ये अप्लाई होगा 320 से लेकर 479 तक। जैसे ही 480 पिक्सल्स होगा तो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा कॉर्नफ्लोर ब्लू, और इससे पहले पहले बैकग्राउंड कलर आपका रहेगा चॉकलेट। सेव करें, बैकग्राउंड कलर ये आपका 480 से ब्लो जाएंगे और 320 तक, तो बैकग्राउंड कलर हमारा हो जाएगा जो भी हमने यूज़ किया था, ये देखें बीच कलर आ गया। इससे हम ब्लो जाएंगे 320 से तो हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो चॉकलेट हो जाएगा, ये देखें। इसी तरह आप किसी भी चीज़ एलिमेंट को शो करवा सकते हैं, हाइड करवा सकते हैं, जिस तरह पैराग्राफ है इस टाइम नज़र आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये हाइड हो जाए, कब हाइड हो, डिस्प्ले नन करने से एलिमेंट हाइड हो जाता है, तो हमने टारगेट करना है पैराग्राफ, और पैराग्राफ कौन सा, आईडी वाला हैशटैग पी जो है डिस्प्ले नन हो जाए, नन का वो जब कम से कम विथ हो 320 पिक्सल्स, और 480 में जाके हम इसको दोबारा कह रहे हैं कि डिस्प्ले आपका ब्लॉक हो जाए, मिनिमम विथ 320 से लेकर 479 तक बैकग्राउंड कलर बीच रहेगा, और पी एलिमेंट जो है जिसको आईडी मिली है या जिसको आईडी पी मिली है वो डिस्प्ले नन हो जाए, और जैसे ही 480 पिक्सल्स पे पहुँचे तो डिस्प्ले दोबारा से ब्लॉक हो जाए। सेव करें, इस टाइम ये नज़र आ रहे हैं, जैसे ही आप उस पॉइंट पे जाएंगे जब बैकग्राउंड कलर हमारा बीज होगा तो पी एलिमेंट जो है वो डिस्प्ले नन हो जाएगा, ये देखें वो डिस्प्ले गायब हो गया। आप स्मॉल स्क्रीन में जाएं तो वो दोबारा नज़र आ जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होगा जब 320 पिक्सल से लेकर 479 तक विथ रहेगी। जी क्लियर है कुछ? जी ऐसे ही करते हैं कि जब आप पहले डिस्प्ले नन कर रहे हैं तो उसको बाद में ब्लॉक भी करवाएंगे, जिस भी स्क्रीन पे देख रहे हैं आपने। ये अब हम करेंगे, अब हमने करना है, यही आपका रह गया टॉपिक। तो ये आपकी थी मिनिमम विथ, मिनिमम विथ का पता लग गया ना कि जब कम से कम विथ इतनी हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि मैक्सिमम विथ एट मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ, सेम यही चीज़ इस पर आप जाके अप्लाई करें, और इन सब को आप ख़त्म कर दें फिलहाल। इसका मतलब है मैक्स विथ 480 पिक्सल्स, एड मीडिया स्क्रीन, मैक्स विथ का क्या मतलब होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मैक्सिमम विथ, और ये मैक्सिमम विथ 480 पिक्सल, और ये स्टार्ट कहाँ से होती है, नहीं नहीं विथ या पिक्सल्स आपका स्टार्ट कहाँ से होता है,
आपकी वैल्यू, ये नंबर्स की जो वैल्यू है या पिक्सल्स है वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ज़ीरो से मतलब तो कुछ भी नहीं नज़र आएगा, वन पिक्सल से, ठीक है। ज़ीरो भी कह सकते हैं कि, लेकिन ज़ीरो में आपको कुछ नज़र नहीं आना विथ वगैरह में, तो विथ वगैरह आपका वन पिक्सल से, एक पिक्सल से लेकर 480 पिक्सल तक, ठीक है, 1 to 480 पिक्सल्स विथ तक बैकग्राउंड कलर बीज रहेगा। उसके अलावा हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो चॉकलेट रहेगा। सेव करें तो ये बैकग्राउंड कलर चॉकलेट, जैसे ही हम 480 या उससे बिलो जाएंगे तो आपका बैकग्राउंड कलर बीज हो जाएगा। अच्छा, आपकी अलाइनमेंट जो है, आपकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो स्टार्ट होती है मोबाइल व्यू से। सबसे पहले मोबाइल व्यू, उसके बाद बड़ी स्क्रीन और फिर उससे बड़ी स्क्रीन। तो यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशन लगाएंगे, फिर एट मीडिया स्क्रीन 480, एट मीडिया स्क्रीन मैक्स विथ हो जाए 787 पिक्सल्स। तो बैकग्राउंड कलर हमारा आप इसको कहते हैं बैकग्राउंड कलर आपका डार्क सियान, और बॉडी का कलर कर दो वाइट, क्योंकि डार्क है तो कलर हमारा वाइट हो जाएगा। तो मैक्स विथ 787 मीन्स के 481 पिक्सल से लेकर 787 पिक्सल्स तक बॉडी का बैकग्राउंड कलर डार्क सियान रहेगा। उसके बाद मज़ीद हम कंडीशन लगा देते हैं 992 पिक्सल्स के बैकग्राउंड कलर जो है वो आपका डार्क ही रहे कोई, और डार्क ग्रीन हो जाए, ठीक है। तो अब इसका मतलब है आप की बॉडी का बैकग्राउंड कलर 1 पिक्सल से लेकर 480 पिक्सल तक क्या रहेगा? बीज। 481 से लेकर 787 तक बैकग्राउंड कलर डार्क सियान और कलर वाइट है। उसके बाद 788 से लेकर 992 तक बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा? डार्क ग्रीन और कलर हमारा वाइट है। 993 पिक्सल से लेकर अबव जितना भी है, जितनी बड़ी स्क्रीन हो जाए उसमें हमारा बैकग्राउंड कलर क्या होगा बॉडी का? चॉकलेट, ठीक है। तो अब हम मोबाइल व्यू से ही आते हैं, सेव करें। तो सबसे पहले आपका बैकग्राउंड कलर क्या होगा? बीज। तो ये देखें बैकग्राउंड कलर आपका बीज, जैसे ही हम 481 तक जाते हैं, 481 पिक्सल तक, तो आपका बैकग्राउंड कलर डार्क सियान होना चाहिए। 481 तक जाएं, बैकग्राउंड कलर डार्क सियान। अब 788 तक, 788 से 992 तक बैकग्राउंड कलर आपका डार्क ग्रीन हो जाना चाहिए। बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रीन, जैसे ही हम 992 पिक्सल से निकलेंगे तो बैकग्राउंड कलर हमारा कौन सा हो जाएगा? चॉकलेट हो जाएगा। ये आपका बैकग्राउंड कलर चॉकलेट हो गया। उसी तरह आप किसी भी एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपकी स्टाइलिंग पे। अच्छा, अब हमारा ये चीज़, इस कॉलम्स को मैनेज करना, ठीक है। हम कहते हैं इसको आप एक और कॉलम ले लें, 1 2 एंड कॉलम 4। हम पहले विड्थ कितनी ले रहे थे कॉलम की? 33.33%। 100 को हमने 3 पे डिवाइड किया था, अब हम 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 25%, ठीक है। सेव करें तो ये देखें कॉलम 1, 2, 3 एंड 4। हम चाहते हैं कि जैसे ही ये मीडियम स्क्रीन में आए, ठीक है, ये मीडियम स्क्रीन में आए मींस के 99, या फिर आप कहें 1100 पिक्सल्स, ठीक है, ये आपका 1100 पिक्सल्स। तो यहाँ पे जाके टारगेट करें आप
1100 पिक्सल्स। टारगेट करें कॉलम को, उसकी विड्थ कर दें। अब हमें यहाँ पर चाहिए एक रो में दो कॉलम, ठीक है, एक रो में दो कॉलम। तो हम इसकी विड्थ कितनी करेंगे कि एक में दो आए, 50%। तो हम इसको 50% कर देंगे। सेव करें तो ये देखें 50% आ गए। और साथ ही आप कॉलम को मार्जिन बॉटम भी दे दें 20 pixels, तो वो उस स्क्रीन पे आके सिर्फ मार्जिन बॉटम भी मिल जाएगी। अब ये एक में दो आ गए और स्क्रीन बड़ी होगी तो ये एक में चार, मीडियम में आई तो एक में दो। अब हम कहेंगे कि जब ये मोबाइल व्यू में आई, जब ये मोबाइल व्यू में, तो ये इसका मोबाइल व्यू आ गया, ठीक है, 600 पिक्सल से कम मोबाइल व्यू। तो यहाँ पर आपके पास 600 पिक्सल से ही बनाने को ऐड मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 600 पिक्सल्स। तो कॉलम की विड्थ जो है वो हो जाए कितनी, 100 pixels। 100 pixels सेव करें, 100% एग्जैक्टली 100%, ठीक है, 100% सेव करें तो ये देखें ये आपका 100% फुटर किधर आ गया आपका फुटर, ये बहुत तो आपका लास्ट मॉडल का कार्ड का कलर, कार्ड की तरह का कार्ड बैकग्राउंड कलर वाइट कलर, ये आपका मोबाइल व्यू। अच्छा, इसमें आप कंटेनर की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं कि कंटेनर की विड्थ भी आपकी 100% हो जाए, कॉलम और कंटेनर, ठीक है, कंटेनर भी और कॉलम भी इसकी विड्थ हो जाए 100%। तो ये देखें ये आपका बनता है, फिर ये मोबाइल व्यू आपका, ये आपका टैबलेट व्यू। टैबलेट व्यू में भी जाके आप कंटेनर की विड्थ जो है, किधर के आपका टैबलेट व्यू, ये आपका कॉलम और कंटेनर की जो विड्थ है पहले 70% है, आप इसको 90% कर दें। सेव करें तो ये देखिए 90%। जैसे ही ये लार्ज स्क्रीन में आएगा तो कंटेनर की विड्थ 70% और कॉलम की विड्थ भी 25% हो जाएगी। तो इस तरह आपकी ये चीज़ें बनती हैं रिस्पॉन्सिवनेस वेबसाइट। जी क्लियर है, कोई सवाल है तो पूछ लें। यस सर। जी कोई सवाल किसी का, जी कुछ है। जी हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे पास 6 स्क्रीन्स की होती हैं, हम उसमें एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। जी जी पूछें। नहीं, हम एक बार ही बस टारगेट करते हैं, अभी तो हमने ये एक बार लिया है ना, इसके स्पेसिफिक क्या है, फिर हम क्या करते हैं सिर्फ कार्ड को टारगेट करते हैं।
कॉलम के अंदर नहीं, सिर्फ कार्ड जी, डोर कार्ड क्लास लेंगे उसमें स्टाइलिंग करने के। फिर अब जहाँ जहाँ कार्ड क्लास पास कर देंगे तो वो यही स्टाइलिंग हो जाएगी उसकी। जी, वैसे ही होते हैं। जहरी सुबह डबल मैंने तो फिर पैसे भी ज़्यादा। और किस पल जी, एनीवन क्लियर है इतना? सीएसएस का आपका एक लेक्चर रह गया बस, फ्लेक्स बॉक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली पहले वेबसाइट का लेआउट, जिस तरह अभी हम ये लेआउट सेट कर रहे हैं, ये जो कॉलम्स हैं हम किसकी मदद से सेट कर रहे हैं, मीन्स के भी तो वगैरह, या इसका लेआउट जो बन रहा है वो किसकी मदद से बन रहा है? नहीं कंटेनर नहीं, हम इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ कर रहे हैं जिसकी मदद से ये एक रो में आ रहा है? ठीक है, तो नहीं आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक होता है ना, तो हमने तो डिस्प्ले इसको छेड़े ही नहीं है, हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज़ किया और वो लेफ़्ट साइड पे आने लग गया वन बाय वन करके। कौन सी प्रॉपर्टी? फ्लोट लैब। ठीक है, फ्लोट की मदद से हम इसका इस टाइम लेआउट सेट कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, सिर्फ टेबल की मदद से आपकी वेबसाइट का लेआउट जो है वो टेबल की मदद से बनता था, कि ये चार हैं, आप एक रो लेते हैं और उसमें चार आप सेल बना लेते हैं और उसकी स्टाइलिंग करने लग जाते हैं। तो पहले के वक्तों में, पुराने ज़मानों में उस तरह डिज़ाइन किया जाता था। उसके बाद आ गया फ्लोट, तो फ्लोट की मदद से। उसके बाद आपका आ गया फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स ने ज़िंदगी आसान कर दी है एक किस्म की। आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किसी भी एलिमेंट को इजीली सेंटर कर सकते हैं। आप ये जिस तरह विथ वगैरह चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज किए बगैर ऑटोमेटिकली आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं और भी बहुत कुछ है। फ्लेक्स बॉक्स के बाद एक और चीज़ आ गई है, सीएसएस ग्रिड। तो ग्रिड तो नहीं हमने करना, बहरहाल फ्लेक्स बॉक्स करना है हमने। और फ्लेक्स बॉक्स करने की वजह ये है कि जब हम मोबाइल ऐप में जाएंगे तो उसमें भी फ्लेक्स बॉक्स यूज़ हो रही होगी, तो इस वजह से आपके लिए आसानी हो जाएगी कि हम शुरू से ही फ्लेक्स बॉक्स कर रहे होंगे और हमने बूटस्ट्रैप जो करना है, बूटस्ट्रैप भी फ्लेक्स बॉक्स ही बेस्ड है, तो इस वजह से आसानी हो जाएगी। तो हमारा लेक्चर, अच्छा जी एक और चीज़, हमने ना मंडे से इंशाल्लाह, ये मंडे आपका आना है, उसमें फ्लेक्स बॉक्स कह रहा हूँ, हमने बूटस्ट्रैप को कवर करना है। तो फ्लेक्स बॉक्स का हमारा एक लेक्चर रहता है, तो वो बता दें फिर हम किस दिन रखें, हम फ्राइडे को या सैटरडे, इस तरह मतलब कोई भी जी दिन हो सकता है। सैटरडे आपका ठीक है इंशाल्लाह, फ्राइडे हो जाए, सैटरडे संडे, बहरहाल मतलब जिस दिन भी पॉसिबल हुआ इंशाल्लाह, मैं फिर मैसेज छोड़ दूंगा आप लोगों को ग्रुप में, तो फिर आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन ये कीजिएगा ज़रूर मंडे से, क्योंकि बूटस्ट्रैप के होते हैं दो लेक्चर, तो उसको मैं एक वीक में कवर करना चाहता हूँ। तो उससे पहले हमारा फ्लेक्स बॉक्स का कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो करेंगे तो फ़ायदा है, वरना फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को बूटस्ट्रैप भी करने का, और आप लोगों की डिज़ाइनिंग वैसी रह जाएगी सारी। तो इसलिए इस चीज़ को हमने ज़रूर करना है, और क्लास भी फिर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा जिस दिन भी लेक्चर बने, फ्राइडे को बन जाए
सैटरडे को बन जाए या फिर संडे को बन जाए, हमने करना बूटस्ट्रैप से पहले ही है, मीन्स के मंडे से पहले पहले इंशाल्लाह। जी ठीक है, यस ओके सर। जी, कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक हो गया जी, जजाकअल्लाह खैर।